गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास फॉर क्लास सेकेंड. सो इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 प्रोनाउंस. विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 6 प्रोनाउन, विच इज गिवन एट पेज नंबर 25. सो टेक आउट योर बुक एंड कम ऑन पेज नंबर 25. Page number 25. And here is your page number 25. And in this page, chapter 6 is given pronoun. Chapter 6 is given pronoun. Pronoun क्या होता है? सर्वनाम होता है. Pronoun किसे कहते हैं? सर्वनाम को कहते हैं. Means संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाने वाले word शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं. द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोटिव क्या है. टू लर्न हाउ टू रिप्लेस द नाउन. अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे किस तरीके से नाउन, मतलब किसी प्लेस का नाम है, एनिमल का नाम है, थिंग का नाम है, तो उसको किस तरीके से हमें रिप्लेस करना है वो चीज यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक, तो यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन. यहाँ पे सिंगल के लिए क्या है? आई यूज होता है. सिंगल के लिए अगर कोई सिंगल है और उसका नेम दिया है तो वहां पे अगर प्रोनाउन लगाना है तो क्या हम लगाएंगे? आई लगाएंगे. और अगर एक ग्रुप में दो तीन लोग हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज करते हैं. ठीक है, ग्रुप में लोग रहेंगे तो वी, और सिंगल अपने लिए अगर यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे? आई रखे. अगर आप अकेले हैं तो अपने लिए क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे. और अगर आप कई लोगों के साथ हैं और अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं तो आप उन दोस्तों के साथ अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे. किसी को आप अगर दिखा रहे हैं फिंगर करके बता रहे हैं कि ये, तो यू उसके लिए यूज करेंगे, चाहे वो सिंगल में हो या ग्रुप में हो. ठीक है, यू. अगर आप अपने ओर से वो बोल रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? यू करेंगे. ठीक, किसी गर्ल को इंडिकेट कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? शी. और किसी बॉय के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, बॉय के नाम का नाम हटा रहे हैं, तो वहां पे क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे. कहीं बहुत दूर है कोई या बहुत ग्रुप में है तो उनके लिए क्या यूज करेंगे? दे. क्या यूज करेंगे? दे. और कोई सामान है उसको इंडिकेट आप कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इट. जैसे यहाँ बॉल है तो बॉल के लिए क्या यूज किया गया है? इट यूज किया गया है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मोर एग्जाम्पल्स हैं जिनके हेल्प से हम इसे समझते हैं. फर्स्ट है अमिता वेंट टू द स्टोर. अमिता वेंट टू द स्टोर. अब देखिए यहाँ पे क्या है? अमिता वेंट टू द स्टोर, फिर लिख सकते हैं ना अमिता बाउट सम सारीज. तो हम एक ही इंसान का बार बार नाम ना ले तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं. अमिता क्या है? एक लड़की है, इसलिए उसके लिए क्या यूज किया? गर्ल के लिए शी यूज किया गया. इसीलिए यहाँ पे क्या गया? अमिता वेंट टू द स्टोर. और अमिता की जगह पे क्या लिखते हैं? शी बाउट सम साड़ी. अमिता दुकान पे गई, वह उसने कुछ साड़ी खरीदी, तो उसके लिए क्या यूज हो गया? शी यूज हो गया. राहुल गोज टू द सुपर मॉल विथ देम. तो यहाँ देम क्या हो गया? प्रोनाउन. मतलब राहुल सुपर मॉल गया उन लोगों के साथ, कई लोग हैं तो इसलिए देम यूज हुआ है. एट द शॉप द कैशियर गेव हर सम चेंज. तो यहाँ हर क्या है? प्रोनाउन है. और हर किसके लिए यूज किया जाता है? गर्ल के लिए. और हिज किसके लिए यूज किया जाता है? बॉय के लिए. हर किसके लिए यूज होता है? देखिए ही है, हर है, सॉरी शी हर जो है वो गर्ल के लिए, और हिज ही जो है वो किसके लिए होता है? बॉयज के लिए. ठीक है, आई एंजॉयड सीइंग देम ऑन द प्ले ग्राउंड. तो आई क्या है? प्रोनाउन है. और देम भी क्या है? प्ले ग्राउंड है. मतलब उनका नाम ना बता के कुछ दूसरा वर्ड उनको को इंडिकेट किया जा रहा है दूसरे वर्ड के हेल्प से, तो वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. अब यहाँ पे अपने दिमाग में ये बातें बैठाइएगा कि प्रोनाउन क्या है. प्रोनाउंस आर वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस. प्रोनाउन क्या है? वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है. ये स्टार्टिंग में मैंने आपको डिफिनेशन बताई भी.
तो प्रोनाउन क्या है? वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है या प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, सम प्रोनाउंस आर, कुछ प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, योर, हर, हिम, देम, इट, अस, देम, इट, अस, कई इस तरह से कई सारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, फॉर सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन के जो सिंगल है उनके लिए क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट, यू, हिम, हर। और जो प्लूरल होते हैं मतलब एक से अधिक संख्या में हो उनके लिए आई, वी, यू, दे, अस। आई, वी, यू, दे, अस। आई तो हमेशा सेल्फ के लिए यूज होगा, किसके लिए? अपने लिए। अगर अपनी कोई बात बताई जा रही है तो वहां पे आई का यूज किया जाएगा, आई प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी बेसिस पे एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है री राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउन। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है, उसमें नाउन की जगह पे आपको क्या यूज करना है? प्रोनाउन। और नाउन क्या होता है? कोई प्लेस का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी थिंग का नाम है, एनिमल का नाम है, तो वहां पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे है, व्हेन द सन कम्स अप पूजा लीव्स फॉर हर वर्क। When the sun comes up, पूजा leaves for her work। तो यहाँ पे नाउन क्या है? पूजा है। क्या है? पूजा है। ठीक है, तो पूजा है, तो पूजा क्या है? एक गर्ल है। और गर्ल के लिए मैंने क्या बताया? क्या यूज होगा? शी यूज होगा। क्या यूज होगा? शी यूज होगा। तो हम लिखेंगे When the sun comes up, she leaves फॉर हर वर्क। बस पूजा की जगह पे क्या हो जाएगा? शी प्रोनाउन का यूज हो जाएगा, बाकी सारे सेंटेंस वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो पूजा नाउन है जिसका प्रोनाउन क्या होता है? शी होता है। रिशिता मेड डिनर फॉर द होल फैमिली। रिशिता क्या है? एक लड़की का नाम है, ये नाउन है, तो इसकी जगह पे लड़की है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? गर्ल्स के लिए हमेशा हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। तो लिखेंगे शी मेड डिनर फॉर द होल फैमिली। शी मेड डिनर फॉर द होल फैमिली। थर्ड है आई थ्रू द बॉल एंड कमल रन आफ्टर इट। आई जो है ऑलरेडी ये प्रोनाउन है। फिर कमल जो है, कमल क्या है? एक नाम है, एक नेम है, तो ये नाउन हुआ। और ये किसका नेम है? तो एक बॉय का नेम है। तो गर्ल में शी यूज करते तो बॉय में क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ही। तो हम लिखेंगे आई थ्रू द बॉल एंड ही रैन आफ्टर इट। ठीक है, द हाउस नीड्स न्यू फर्नीचर। अब हाउस क्या है? एक थिंग में है, आप समझ सकते हैं, ये बिल्डिंग है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ना ही शी दे नहीं, इसके लिए यूज करेंगे इट। क्या यूज करेंगे? इट। द हाउस के लिए क्या यूज करेंगे? इट। तो लिखेंगे आई टी इट नीड्स न्यू फर्नीचर। आई टी इट नीड्स न्यू फर्नीचर। ठीक है, हो गया। फिफ्थ देखिए, द हॉर्स डिड नॉट ईट द ग्रास टुडे। हॉर्स क्या? एक एनिमल है, तो ये क्या होगा? ये नाउन होगा। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ही शी तो यूज करेंगे नहीं, दे भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दे एक से अधिक लोग होते हैं, वी उन सब में यूज किया जाता है। तो द हॉर्स के लिए क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। इट डिड नॉट ईट द ग्रास टुडे। इट डिड नॉट ईट द ग्रास टुडे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट में प्रोनाउंस दिए हैं, उसमें से चूज करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो लिखा है फर्स्ट है मिस सविता इज डैस डांस टीचर। मिस सविता आवर टीचर होगा कि अस टीचर होगा, बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पे पढ़िए मिस सविता इज अस डांस टीचर, ये सही लग रहा है सेंटेंस? नहीं, मिस सविता इज आवर डांस टीचर। क्या हो जाएगा? आवर, ओ यू आर आर, यहाँ आर पे टिक लगा देंगे। मिस सविता इज आर डांस टीचर।
डैश लव माई पेरेंट, अस और आई, तो यहाँ पे लव माई पेरेंट मतलब माई मतलब अपने लिए क्या हो जा रहा है, तो अपने लिए मैंने क्या बताया, सेल्फ के लिए क्या यूज करना है, आई, क्या यूज करना है, आई, तो लिखेंगे हम आई लव माई पेरेंट्स। थर्ड है डैश आर माई पेरेंट्स, तो मैं पेरेंट्स को दिखा के बात बताई जा रही है, तो ही आर माई पेरेंट्स बनेगी क्योंकि पेरेंट्स में तो मम्मी पापा दोनों आ जाएंगे, तो एक से अधिक लोग है, तो क्या यूज होगा, दे, क्या यूज होगा, दे आर माई पेरेंट्स। फोर्थ है इट इज डैश फुटबॉल, तो हिम या हिज, तो हिज यूज होगा यहाँ पे, क्या होगा, हिज, इट इज हिज फुटबॉल, इट इज हिज फुटबॉल। फिफ्थ है दिस इज डैश बुक, योर माइन, योर माइन, दिस इज माइन बुक होगा कि दिस इज योर बुक होगा, तो लिखेंगे दिस इज योर बुक, क्या होगा, योर बुक, योर पे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है डैश आर गुड स्टूडेंट, आई और वी, तो आर यूज हुआ है मतलब एक से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, तो जहाँ पे एम लिखा होगा वहां पे आप आई फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप आई कहीं नहीं फिल कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वी, क्योंकि यहाँ पे आर लगा है, तो लिखेंगे वी आर गुड स्टूडेंट्स, वी आर गुड स्टूडेंट्स। सेवेंथ है यू आर डैश बेस्ट फ्रेंड, यू आर आई बेस्ट फ्रेंड या माई बेस्ट फ्रेंड, क्या होता है, आई होता है या माई होता है, तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, क्या होता है, माई, एम वाई माई, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सुहेल इज डैश फ्रेंड, सुहेल इज यू और योर, सुहेल किसका फ्रेंड है, यू का फ्रेंड है कि योर का फ्रेंड है, तो योर, सुहेल इज योर फ्रेंड मतलब सुहेल तुम्हारा दोस्त है, सुहेल तुम दोस्त है, ये नहीं ना सेंटेंस होगा तुम्हारा दोस्त है, सही सेंटेंस होगा ना, तो योर यूज होगा। डैश इज अ डॉक्टर, हिम इज अ डॉक्टर या ही इज अ डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा, ही इज अ डॉक्टर, तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे, ही, क्या फिल कर देंगे, ही, ठीक है। चलिए सी देखिए क्या है, राइट प्रोनाउंस दैट कैन रिप्लेस कलर्ड वर्ड्स इन ईच सेंटेंस, अब यहाँ पे कलर्ड वर्ड्स जो दिए हैं उनको हम प्रोनाउंस में चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट है कमल एंड नैन्सी एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने में कौन मजा कर रहा है, किसे मजा आ रहा है, तो कमल और नैन्सी को, दो लोगों की बात की गई है, तो दो लोगों की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, दे यूज हो जाएगा, ठीक है, दे एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, तो लिखेंगे दे, टी एच ई वाई दे। सुमित वॉन्ट टू सिंग अ डुएट विथ ईशा, सुमित वॉन्ट टू सिंग अ डुएट विथ ईशा, देखिए अब प्रोनाउन हटाना है तो प्रोनाउन लगाना है तो सुमित बॉय हो जाएगा, ही वॉन्ट टू सिंग अ डुएट विथ ईशा, ईशा को भी हटाएंगे ना, तो ईशा क्या है, लड़की है, ईशा क्या है, लड़की, तो लिख सकते हैं ना ही वॉन्ट्स टू सिंग अ डुएट विथ हर, कि ये लिखें कि दे वॉन्ट टू सिंग अ डुएट, ये नहीं होगा ना, ही वॉन्ट्स, सुमित क्या है, एक लड़का, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, और ही वॉन्ट्स टू सिंग अ डुएट विथ ईशा, तो ईशा के लिए हम क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे, शी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ईशा से नहीं, ये कह रहा है सुमित इसके साथ गाना गाना चाहता है, तो सी ही वॉन्ट्स टू सिंग अ डुएट विथ हर, ठीक है। थर्ड है रवि लव्स टू डांस, रवि डांस करना, रवि को पसंद है, तो रवि क्या है, एक बॉय है, तो बॉय के लिए क्या यूज हो जाएगा, ही यूज हो जाएगा, क्या यूज हो जाएगा, ही। फोर्थ है रोहन हैज अ स्वीट वॉइस, रोहन की आवाज कैसी है, बहुत मीठी है, मधुर है, तो रोहन क्या है, एक बॉय है, तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, ही यूज हो जाएगा। श्वेता विल बी सिटिंग एट द फ्रंट डोर, श्वेता आगे वाले दरवाजे पे बैठी है, तो श्वेता क्या है, एक गर्ल है, तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, शी यूज हो जाएगा, क्या यूज होगा, शी यूज होगा, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द करेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन्स दिए हुए हैं, इनसे वर्ड्स को मैच कराना है, ठीक है, मैंने नंबरिंग की हुई है, लेकिन आप पहले खुद देखिए, आकाश एंड आई,
तो आकाश एंड आई, मतलब आकाश और मैं, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा? यहाँ खुद के बारे में भी इंक्लूड किया जा रहा है ना, जब दो अलग अलग लोगों के बारे में बताया जाता है तो दे यूज किया जाता है, जैसे यहाँ कमल और नैन्सी था तो दे यूज हमने किया, लेकिन आकाश एंड आई इसमें आई मतलब अपने आप को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? वी, क्या हो जाएगा? वी, तो वी के फ्रंट में हम वन नंबरिंग करेंगे। सेकेंड है साहिल, तो साहिल क्या एक बॉय, एक लड़का है, तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा? ही, क्या यूज हो जाएगा? ही। नीलम, नीलम क्या है? एक लड़की है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? शी, तो शी के आगे हम क्या लिखेंगे? थ्री, और ही के आगे क्या लिखेंगे? टू। द बिग बिल्डिंग, ये क्या है? एक बिल्डिंग है, तो इसके लिए अभी यहाँ पे स्टार्ट किया, द हाउस के लिए हमने क्या यूज किया? इट, तो द बिग बिल्डिंग के लिए भी क्या यूज करेंगे? इट, तो यहाँ पे फोर नंबरिंग करेंगे। फिफ्थ है रुपेश एंड रूपाली, तो रुपेश एंड रूपाली दो अलग अलग पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो अभी बताए दो अलग पर्सन के लिए क्या यूज होगा? दे, और किसी दूसरे पर्सन और अपने बारे में बात होगी तो क्या करेंगे? वी, ये ध्यान रखेंगे, जहाँ एक कोई नाम होगा और एक खुद के बारे में होगा आई होगा तो वहाँ वी यूज होगा, और जहाँ दोनों लोग अलग अलग पर्सन के बारे में बात होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? दे, तो दे पे क्या नंबरिंग लिखेंगे? फाइव लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, सिक्स चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, इसकी एक्सरसाइज भी करा दी, अब इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा, वहां से जो क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी वो कर लीजिएगा, और बुक में जितनी चीजें फिल कराइए उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।